तो ज्यादा डेटा में देखना मुश्किल होता है विजिबिलिटी के थ्रू, बट अगर आप इसमें चार्ट लगा देते हो तो आपको इजीली पता पड़ जाता है कि कौन सी वैल्यू हायर है कौन सी लोअर है। ठीक है जी, चार्ट का मेनली यूज इसलिए किया जाता है। चार्ट के कुछ पार्ट होते हैं जिसको फॉर्मेटिंग के लिए जानना जरूरी है, कि जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इस पर दिखा रहा है फॉर्मेट चार्ट एरिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसी पे अगर मैं यहाँ करूँ तो फॉर्मेट डेटा सीरीज, यहाँ पे करूँ तो ये आपका आ रहा है फॉर्मेट एक्सेस। तो ये होते हैं आपके एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये आपके डेटा सीरीज होती है, ये आपके प्लॉट एरिया होता है इतना जो एरिया सिलेक्टेड है, और रेस्ट ऑफ द चार्ट एरिया इसको कहते हैं लेजेंड्स, इसको कहते हैं टाइटल। ठीक है, तो हर एक चीज की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। राइट क्लिक करके जब आप फॉर्मेट चार्ट एरिया करते हैं, देखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ आपने फॉर्मेट चार्ट एरिया खोल लिया, यहाँ क्लिक करेंगे तो लेजेंड्स आ गया फॉर्मेट लेजेंड्स के ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट डेटा सीरीज, यहाँ एक्सेस के ऑप्शन। ठीक है जी, तो इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, ये प्लॉट एरिया के ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ट एरिया से, जिसमें हम पहली चीज कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो चार्ट एरिया में फिल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्लॉट एरिया छूटा हुआ है, तो मैं जब प्लॉट एरिया पर क्लिक करता हूँ तो प्लॉट एरिया को आप या तो नो फिल कर सकते हैं ताकि कलर के साथ मर्ज हो जाए, या चाहे तो अलग से कलर भी दे सकते हैं ताकि ये अलग से विजिबल रहे। ठीक है जी, या तो नो फिल करके इसको सिंपली गायब कर सकते हैं। ठीक है जी, बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं इसका, वैसे बॉर्डर वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है जी, चार्ट के बॉर्डर वगैरह आप हटा सकते हैं, चार्ट एरिया के ना, जैसे आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर सारे हैं, तो बॉर्डर आप मान लीजिए चाहते ही नहीं है, तो नो फिल में नो लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ से नो लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ और नो फिल सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरे को कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देगा अगर मुझे ऐसा चाहिए तो। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट हो गया चार्ट, किसी के भी ऊपर रख सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस का भी आप लाइन कलर चूज कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं, जो चीज नहीं चाहिए उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके, ये नहीं चाहिए इसको भी डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस नहीं चाहिए इसको डिलीट, नीचे वाला नहीं चाहिए इसको डिलीट, ये भी नीचे है टाइटल भी, तो इसको डिलीट। तो आपके सिंपल चार्ट आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें वैसे बन सकता है। सबसे शॉर्ट तरीका है इसके लिए कि चार्ट जैसे ही आपका सिलेक्टेड होगा ये तीन अलग से दिखाएगा, चार्ट डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। ठीक है जी, इसमें चार्ट्स के लेआउट जो है आपको ये अलग से मिल जाते हैं। मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है, जिसमें चार्ट के साथ में उसका डेटा भी होता है। ठीक है जी, तो चार्ट्स लेआउट डिफरेंट डिफरेंट तरह के पहले से ही दिए हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें से जैसा आपको चाहिए। इसमें दूसरा, चार्ट के स्टाइल दिए हुए हैं, फटाफट से कलर आपने चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप एकदम से चार्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, देन लेआउट में जाएंगे। लेआउट में क्या है कि आपके पास जैसे चार्ट टाइटल था तो उनकी अलग अलग सेटिंग है कि आप उनको कहाँ रखना चाहते हैं, अबाउट चार्ट, सेंटर्ड, ओवरले, मतलब पीछे चार्ट आना चाहिए, आगे टाइटल आना चाहिए, चार्ट टाइटल की सेटिंग्स है। इसी तरह से एक्सेल की एक्सिस की है, एक्सेस कहाँ पे रखना है, जैसे रोटेटेड में मैंने कर दिया, प्राइमरी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल टाइटल, वर्टिकल टाइटल हो गया, एक्सिस के टाइटल की बात कर रहे थे हम, टाइटल चेंज कर सकते हैं। और लेजेंड्स आपको दिखाने हैं राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में, डाउन में, और एट द टॉप करेंगे तो एट द टॉप में दिखाएगा, यहाँ टाइटल के पीछे दिखा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में ओवरले, तो आपके लेजेंड्स के भी अलग अलग ऑप्शन है, राइट में दिखाना चाहे राइट में। इसी तरह डेटा लेबल्स जो हैं, डेटा लेबल्स अभी नहीं है, पर डेटा लेबल आप राइट क्लिक करके इन पर डेटा सीरीज पे ऐड डेटा लेबल लगा सकते हैं, तो इनकी वैल्यूज आपको दिख जाती है। हालांकि डेटा लेबल की भी आप कहेंगे तो फॉर्मेट डेटा लेबल का अलग से पॉइंट आता है, इसमें आपके पास मेन पॉइंट्स होते हैं, सीरीज नेम, कैटेगरी नेम आप इकट्ठे दे सकते हैं, और वैल्यू
चाहे तो कोई भी हटा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट किया है, पर ये सेंटर इस पर बैठ नहीं रहा है, तो इसमें मुझे इसकी अलाइनमेंट देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अलाइनमेंट का पॉइंट है, तो अलाइनमेंट को मैं जैसे मर्जी वैसे सेट कर सकता हूँ, ट्रक्स की डायरेक्शन यहाँ से चूज कर सकता हूँ, मुझे ये वाला चाहिए, तो इस तरह से मेरा इस चार्ट में फिट बैठ रहा है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन जो है, मोटा पतला चार्ट हो तो उसके हिसाब से सेट की जा सकती है, ठीक है जी। इसको राइट में मैंने सेट कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे होती हैं साइड में। तो इस तरह से आप चार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज बताऊंगा, जैसे यहाँ पे एक्सेस में आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग भी होती है, जहाँ आपकी वैल्यू आ रही है जैसे डेटा लेबल में, तो नंबर फॉर्मेटिंग पूरी पूरी होती है। मान लीजिए आपको ये करेंसी में दिखाना है, तो नंबर में जाके आप यहाँ से करेंसी चूज कर सकते हैं और आप देखना है कि करेंसी यहाँ पे है, ठीक है जी। अलग अलग फॉर्मेट है, आप चूज कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के। दूसरी चीज, चार्ट को अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि पहले हमें चार्ट को जानना पड़ेगा। अभी क्या है कि ये चार्ट जो है इससे कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो चार्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं हम, कि जब डेटा सीरीज पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है, सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है जी। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, जो पहला पैरामीटर है इसके अंदर का, जैसे बी वन, या तो बी वन देख रहे हैं कि हम यहाँ से अपने आप ही इसका टाइटल उठा रहा है, ये टाइटल के लिए होता है। दूसरा होता है आपका ए टू से ए एट जो देख रहे हैं हम, ये चार्ट के ये दूसरे एक्सिस के लिए होते हैं, यहाँ पे हम नेम वगैरह दे रहे हैं, तो हॉरिजेंटल एक्सिस के जो है वो यहाँ से पिक करता है, ठीक है जी। देन मतलब पहला टाइटल, दूसरा हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए, तीसरा जो होता है आपका डेटा होता है ये वाला, ठीक है जी। तीसरा होता है आपका डेटा, और चौथा होता है उसकी पोजीशन। अभी वन पे दिखा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सेल्स टू करके होती दूसरे, और इसमें कोई और मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ये चार्ट अवेलेबल है, जब भी मैंने सिलेक्ट किया चार्ट में यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया मेरा चार्ट का एरिया, क्या मैं चाहूँ तो एक्सिस का एरिया बढ़ा भी सकता, ठीक है जी। तो सेल्स टू आ गई मेरी और यहाँ लेजिंग्स बढ़ गए, ठीक है जी। अब इसमें जो पहली पोजीशन पे आ रहा है उसका, जैसे आप क्लिक करेंगे सीरीज पे, तो पहला फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे पहली पोजीशन पे, तो वन आ रहा है। दूसरे पे देखेंगे तो टू आ रहा है। अगर मैं दूसरे वाले को पहले पे लाना चाहता हूँ तो वन यहाँ पे कर दूंगा, वो टू अपने आप बदल जाएगा। अब इसकी देखेंगे दूसरे वाले की, तो इसकी टू हो गई अपने आप, ठीक है जी। तो पोजीशन यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। दूसरा लेआउट में, ये डिजाइन में आप इनका स्विच कॉलम टू रो, रो टू कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन होता है कॉलम टू रो, रो टू कॉलम। मान लीजिए ये डिलीट कर देता हूं मैं सम, ये वाला। अब इसके सामने क्या ऑप्शन है, मान लीजिए ये वाले यहाँ करने हैं, इनको नीचे करना है। अच्छा ये यहाँ पे रेफ दिखाने लगा, इसको डिलीट कर दे, जो दो फॉर्मूले थे। तो इसको देखेंगे कि जैसे हमें इनमें स्विच करना है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, जैसे कई बार क्या होता है कि डेटा ज्यादा होता है तो रो भी बदल जाती है। सेल्स वन मैंने चेंज कर दिया, इसको बदल दिया, तीन सेल्स ले ली, और यहाँ से अब यहाँ मैं जाके देख सकता हूँ, और या तो नया चार्ट ही अप्लाई कर देते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ा हो रहा है, दोबारा चार्ट अप्लाई कर देता हूँ मैं, ताकि ये सबको अपने आप ऑटोमेटिकली ले ले। अब इसने ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास सेल्स की एक अलग से कैटेगरी है और ये नेम्स की अलग से कैटेगरी है, तो स्विच रो और कॉलम क्या करेगा, जैसे यहाँ पे सेल्स वन टू थ्री अलग अलग दिखा दिए इसने, और जो आपके इधर वाले टाइटल थे इसको इसने लेजेंड में ले लिया,
मान लीजिए सेल्स 1 2 3 के लेजेंड लेना चाहते हैं, इनको नीचे रखना चाहते हैं, तो ये स्विच रो टू कॉलम इसमें मानस करता है। ठीक है जी, स्विचिंग करने के लिए रो टू कॉलम कर्व टू रो प्राइवेट रिपोर्ट की तरह। ठीक है, तो इनको स्विच कर सकते हैं। आप देखते हैं मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं चार्ट को, या मैनुअली कैसे क्रिएट करेंगे, इंसर्ट आप कर देंगे बाहर क्लिक करके, इंसर्ट ब्लैंक चार्ट, यहाँ से कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। ये खाली एरिया है, इसमें सबसे पहले मुझे डेटा चाहिए, सिलेक्ट डेटा। ठीक है जी, सिलेक्ट डेटा जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास ये आ जाएगा, डेटा की रेंज क्या है, तो रेंज तो ये है, मैंने चूज कर लिया। ठीक है जी, इसमें मोस्टली इसका आपका पहले से बन के आ गया, पहले से ही इसने जज कर लिया। तो चलिए इसको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं और यहाँ से ऐड करते हैं एक करके। तो लेजेंड एंट्री सीरीज, लेजेंड कौन से होने चाहिए हमारे, तो लेजेंड हमने रखे थे सेल्स 1 2 3, तो सीरीज का नाम मैं कर दूंगा सेल्स 1 और जो वैल्यू आएंगी वो आएगी इससे। यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये सब लगा हुआ, इक्वल टू करके सिंपल रेंज लेनी है। ओके, एक आ गई, फिर दूसरी ऐड करूंगा सेल्स 2 और 2 में ये रेंज सिलेक्ट कर ली, देन 3 में सीरीज 3 और सीरीज वैल्यूज में थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो एक लेजेंड एंट्री की एक्सेस पूरी हो चुकी है, उनके से इसने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने आप जज कर लिए किसके बीच में आप चल रहे हैं। बट इसमें नीचे 1 2 3 4 आ रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए जरूरी है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, एडिट में जाकर यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट का, और यहाँ पे आपको एक्सेल की लेबल रेंज सिलेक्ट करनी होती है, ये सिलेक्ट कर ली अपने, ओके कर दिया, आप देखेंगे कि नाम भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं स्विच रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, यहाँ पे भी बटन होता है, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये आपका चार्ट बना हुआ आ गया। ठीक है, मैनुअली इस तरह से ऐड किया जाता है। अब एक और चीज देखते हैं, या फिर इसमें एक और चीज दिखा दूं आपको, यहाँ पे जो मैंने सीरीज का फॉर्मूला लगाया था, आप चाहते हैं कि ऐसा चार्ट बनाना जिसको डेटा लिंकिंग की जरूरत ना हो। अभी हालांकि जो मैंने मेथड यूज किया है उसमें क्या था कि मैंने खाली रेंज एक एक की सिलेक्ट की है। इसका फायदा क्या होता है कि मान लीजिए कई बार ये आपकी रेंज एक साथ ना हो, ये सीरीज 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, सीरीज 3 कहीं और पड़ा हुआ है, तो आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं उनको जाकर। ठीक है जी, मैनुअली क्रिएशन में यह होता है कि डेटा सारा एक साथ होना जरूरी नहीं है, आप अलग अलग जगह से चूज कर सकते हैं, जिस तरह के शीट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें बीच में गैप हो। ठीक है, अब आप वैसे चार्ट बनाएंगे तो देखिए क्या होता है, अगर मैंने वैसे सिलेक्ट करके चार्ट बना दिया तो इसमें क्या है, खाली लेजेंड्स आ रहे हैं, बट मैंने तरीका बताया, हालांकि इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, पर बीच में आया मान लीजिए 10 लाइन का गैप है तो 10 लेजेंड फालतू आ जाएंगे, या कहीं वैल्यू पड़ी होगी और आप उसको लेना नहीं चाह रहे। ठीक है जी, मान लीजिए आपको खाली चार्ट बनाना है सीरीज 1 के लिए और 3 के लिए, पर 2 आपका बीच में दिखा रहा है ब्लैंक लेजेंड्स और दिखा रहा है, तो उसमें ये वाला मेथड बहुत कारगर है कि आप यहाँ से ब्लैंक चार्ट ऐड करें और यहाँ से सिलेक्ट डेटा करें और तब जाके अपना पूरा डेटा बस यहाँ पे ऐड करते चले जाए कि नाम यहाँ से चूज किया, सीरीज यहाँ से चूज, मान लीजिए 1 3 के लिए बनाना तो मैंने यहाँ दिया ऐड लिया, फिर यहाँ से सीरीज 3 सिलेक्ट कर ली, मान लो 3 बनानी है मैंने खाली, यहाँ डेटा सिलेक्ट किया, वो दे दिया एक्सिस रेंज मैंने दे दी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह के चार्ट में कोई गड़बड़ नहीं रही, 1 और 3 का ही बना। ठीक है जी, तो डेटा आपका कहीं भी आजू बाजू हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे करते हैं। दूसरा मैं दिखाना चाह रहा था कि इसमें सीरीज का फॉर्मूला, हाँ जी सर, दूसरे शीट में रह सकता डाटा, हाँ सेम शीट में होना चाहिए, दूसरे शीट में नहीं रह सकता,
दूसरे शीट में ट्राई कर लेते हैं, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, मान लीजिए सीरीज टू को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, दूसरे शीट में, ठीक है। अब मुझे इसमें ऐड करना है तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ, बाकी बचा हुआ है तो ऐड मैंने क्या किया, दूसरी शीट से अपना ये सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से सीरीज वैल्यू, हालांकि अभी तो दिखा रहा है कि ये ले रहा है, ठीक है जी। तो हाँ, दूसरी शीट से भी आगे आप करेंगे, मतलब शीट्स में से कहीं से भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि इसमें यहाँ पे जो इनकी पोजीशनिंग है, मैं यहाँ से 1 2 3 करके सेट कर सकता हूँ, अलग अलग सीरीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहली पोजीशन पे कौन सी है, दूसरी पोजीशन पे है, यहाँ दिखा रहा है F1 जो दिखा रहा है टाइटल है। अब मैं पता है क्या कर सकता हूँ, इसको चाहे तो मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ, टाइटल की जगह मैं कर देता हूँ सेल्स चार, किसी भी फॉर्मूला में, अभी बीच वाला फॉर्मूला कर रहा हूँ, ठीक है। देन दूसरे पैरामीटर पे आया तो इसमें रेंज थी, एक और सिंपल मेथड है कि आप कॉमा से कॉमा के बीच में जब सिलेक्ट करते हैं तो ये रेंज है, और F9 दबाएंगे तो मेरे पास होल रेंज वैसे आ जाए कि जैसे इसको दिया जाना चाहिए था। मान लें कि अगर आपको नाम देने तो इस मेथड में अगर देने तो आप ऐसे फिजिकल एंट्री करके भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने चार्ट की करी। अब ये क्यों किया है कि सेमी कॉलन करके, इसको कहते हैं एरे फॉर्मेट। एरे फॉर्मेट में जहां आपकी रेंज है तो आप अपनी वैल्यू इस तरह से भी दे सकते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर सेमी कॉलन, किस लिए, क्योंकि रो है, जहां पे खाली कॉमा आता है उसमें कॉलम वाइज हो जाता है, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ अभी, और डेटा देखते हैं, डेटा को भी मैं अपना इन कर लेता हूँ, तो इसने डेटा भी सिलेक्ट कर लिया। नंबर्स के लिए हमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं चाहिए होती, पर बड़े ब्रैकेट चाहिए यहाँ। तो अभी क्या हुआ, मैंने इसको एंटर कर दिया और ये जो मेरी बीच की पोजीशन थी, अब ये यहाँ से कहीं से भी लिंकिंग नहीं दिखा रही है, ये इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से मैं इनको भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी टाइटल देके यहाँ सेल्स वन जैसे आ रहा है F9, तो मैनुअल एंट्री करके भी हम लोग ये सब सीरीज के फॉर्मूला में बना सकते हैं। इसमें क्या हुआ, मैंने वैल्यू जो है अनलिंक इसकी इसकी भी कर दी, थर्ड वन की कर देते हैं अनलिंक F9, F9। तो अनलिंक कर दी मैंने वैल्यूज, अब इसका कोई भी लिंक इससे नहीं है, चार्ट अपना डेटा खुद कंटेन कर, ठीक है जी। अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके चार्ट पे, चार्ट आपका इंडिपेंडेंट हो गया है, और इसमें आप अपनी कैलकुलेशन, मतलब डेटा देखना चाहे तो यहाँ से डेटा भी देख सकते हैं इस मॉडल, ठीक है जी। किसमें क्या डेटा, वैसे चार्ट लिंक रहता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका लिंक गायब कर दिया, लिंक तोड़ दिया, इनको इंडिपेंडेंट बना दिया, ठीक है जी। तो सीरीज का फॉर्मूला हमें इंडिपेंडेंट वैल्यूज को बनाने में मदद करता है। बाकी अलग अलग चार्ट्स को देखते हैं, इसमें और भी वेरिएशन की जा सकती है। मान लीजिए ये सेल्स था और यहाँ टारगेट है, तो सेल्स टारगेट का चार्ट बनाना है, आपने क्या किया, इंसर्ट करके कॉलम चार्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो सेल्स टारगेट आपका इसमें दिखा रहा है रेड में, ठीक है जी। पर बेटर क्या होता है कि एक लाइन सी आ जाए जिसमें मुझे पता पड़ जाए कि टारगेट कितना गया है, तो कॉलम चार्ट की जगह मैं लाइन चार्ट यूज कर सकता हूँ अलग सीरीज के लिए। बस मुझे क्या करना है, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप और यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये एक लाइन में बन गई कि इसका टारगेट यहाँ था, इसका यहाँ था, इसका यहाँ था, इसका यहाँ, ठीक है जी। टारगेट मेरा लाइन में आ गया और सेल्स जो थी मेरी कॉलम में आ गई, ठीक है जी। न्यूज़पेपर में इस तरह के ग्राफ्स होते हैं, अब देखिए, ठीक है जी। एक और चीज है कि आप एक कांस्टेंट ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं सेल्स के ऊपर जाता हूँ तो ऐड ट्रेंड लाइन एक ऑप्शन है। ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक लाइन टाइप की होती है, तो लीनियर अलग अलग तरह के स्टैटिक
स्टैटिक्स में आपके फीचर्स होते हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है, मूविंग एवरेज, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, अलग अलग तरह के आपके पास ट्रेंड लाइन है कि क्या ट्रेंड चला है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मतलब चार्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा चीज, जैसे सेल्स वगैरह, मान लीजिए आप इसको एक बैंक ले लेते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग बैंक में पड़ी है, स्टेट बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई। ठीक है, इस तरह से बैंक्स हो गए आपके और इन्वेस्टमेंट हो गई अलग अलग। तो ये मैंने दे दिया इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इससे रिलेटेड एक चार्ट लगाता हूँ, बैंकिंग चार्ट, रिजल्ट कॉलम चार्ट। मैंने तो यहाँ पे बैंक का चार्ट मैंने कर दिया, एसबीआई की कितनी, पीएनबी की कितनी, टोटल कितनी हो गई। ठीक है, स्विच रो टू कॉलम कर सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है, हर एक बैंक की कितनी। ठीक है, अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई की, या फिर इसमें ईयर भी चूज कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में इतने साल इतनी थी, इतने साल इतनी थी, अलग अलग चूज कर सकते हैं। चलिए इसे ईयर में यूज कर देते हैं, 2011-12। और 2014-14 तीन साल की इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा दी जो कि कुछ थी। कोई भी मतलब फिगर मैं वैसे ही प्रिंट कर देना। तो मान लीजिए ये आपकी थी, इसको यहां से ड्रैग कर देता हूँ, बड़ा अपने आप ले लिया इसने हर एक साल की ले ली। अब देखने वाली बात है कि इसमें कलर की डिटेल जानने के लिए मुझे यहाँ पे जाना होता है लेजेंड के पास। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि मेरी ये खुद का खुद बता दे कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। हर एक के लिए ऐड डेटा लेवल मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब हर एक की इन्वेस्टमेंट डालनी है, जैसे एसबीआई के लिए मैं चाहता हूँ कि लोगो दिखा दे मुझे यहाँ पे। यहाँ पे अगर लिखा हुआ दिखा दे या लोगो दिखा दे, तो मैं आप क्या करता हूँ, एक लोगो लगाता हूँ, लोगो दिखाना चाहता हूँ इसके ऊपर। कैसे करूंगा, पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि हर एक की फॉर्मेटिंग उसके पास है, फॉर्मेट डेटा पॉइंट। ठीक है जी, फिल क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर भी है तो पिक्चर आप फिल कर सकते हैं, बट अब मैं लोगो दिखाना चाहता हूँ तो किसी पिक्चर से उसको मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने गूगल पे डाल दिया एसबीआई करके, एसबीआई लोगो। यहाँ से लोगो 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 कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। मान लीजिए इसमें से कट करना है मुझे, मैंने कॉपी किया, इमेज कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर ली। कई बार क्या होता है कि ये इमेज आपको नहीं दिखाई देती है, हालांकि हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, इमेज कई बार नहीं आती है, तो बेटर है उससे पहले आप उसको पेंट पे पेस्ट करेंगे, फिर वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो दिख जाएगी। तो मैंने एक पिक्चर कट कर दी, यहाँ से क्रॉप करके, पिक्चर टूल्स में होता है ऑप्शन क्रॉपिंग का, यहाँ पे क्रॉप कर ली मैंने पिक्चर। अब मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा और इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाऊंगा और फिल में जाके अपने पास पिक्चर एंड टेक्स्ट फिल है, तो मैंने कंट्रोल सी किया है
तो कोई भी डेटा कंट्रोल सी करते हैं तो क्लिप बोर्ड पे चला जाता है। जैसे क्लिप बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये लोगो आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको लोगो नहीं मिला, आप कुछ और तरीका लगाना चाहते, तो SBI का तो क्लियर, आप PNB के लिए देखते हैं। तो PNB के लिए हम अपना लोगो नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके कोई भी शेप आप इंसर्ट कर लीजिए और शेप के ऊपर आप लिख भी सकते हैं। तो मैं इस पर लिख देता हूँ PNB, ठीक है। PNB में जाके फिर मैं इसका टेक्स्ट का साइज वगैरह बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। तो साइज वगैरह बढ़ाने के लिए आपका होम टैब में से यहीं से ही बढ़ेगा। इस तरह से मैंने PNB कर दिया। ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट्स बहुत सारे और भी हैं जो मुझे चाहिए, तो इस तरह का फॉर्मेट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ। बट इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा, ये तो शेप है और मुझे चाहिए पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर नहीं है, ये एडिट हो सकती है। तो पिक्चर के लिए जैसा कि मैंने बताया था, कॉपी करके कॉपी यहाँ पर पेस्ट एज पिक्चर भी होता है तो कॉपी एज पिक्चर भी होता है। तो कॉपी एज पिक्चर आप कर सकते हैं, कॉपी एज पिक्चर करेंगे तो ये इसको आप कंट्रोल भी करेंगे तो पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा। अब पिक्चर में इसने जब कन्वर्ट कर दिया तो अभी हम डायरेक्टली इसलिए नहीं कॉपी करके उसमें, अगर इसको कॉपी करके करेंगे तो यहाँ ब्लैंक स्पेस है जिसके कारण प्रॉब्लम होगी, इसमें पूरी तरह से फिट नहीं आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैंने पिक्चर में कन्वर्जन के बाद इसको क्रॉप कर दिया ताकि मुझे एग्जैक्ट साइज मिल सके। यहाँ पे देखेंगे नीचे से भी है, मैंने एकदम फिट कर दिया है, क्रॉप कर दिया। आप पिक्चर सही है, आप कंट्रोल सी करके, मैं इस डेटा पॉइंट में जाके राइट क्लिक, डेटा सीरीज में जाके, फिल में जाके, पिक्चर में जाके, क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा PNG सही से लिखा, ठीक है। इसी तरह से ICICI का ले लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, फॉर्मेट में जाके यहां से ICICI का ऑरेंज टाइप का, तो ये ऑरेंज वाला मैंने चूज कर लिया, कंट्रोल सी किया और फिर से जाऊंगा यहां पे एज पिक्चर में, कॉपी एज पिक्चर, कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है जी। अब कंट्रोल डी किया, हाँ अभी कॉपी नहीं हुआ, कॉपी एज पिक्चर, ओके कंट्रोल डी, ICICI का हो गया। अब मैं फिर से इसको क्रॉप कर लेता हूं, नीचे से वो ऊपर से घुमाएगा, कंट्रोल सी, मैं इन पे गया, फॉर्मेट डेटा सीरीज फिल पिक्चर एंड बोर्ड में जाके मैंने कर दिया ICICI, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं, सॉलिड फिल कर दिया इसको मैंने, प्लॉट एरिया को डिलीट कर दिया, ग्रिड लाइन यहाँ से सिलेक्ट करके ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, तो मेरा कुछ इस तरह से चार्ट आ गया जिसको मैंने बड़ी मेहनत से फॉर्मेट किया। मान लीजिए ऐसा ही चार्ट आपको दूसरा बनाना है, ठीक, तो ये फॉर्मेटिंग आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। मान लीजिए दूसरे साल का डेटा आ गया, तो इसके लिए एक तरीका है, अब ये चार्ट और ये चार्ट मुझे सेम दिखा, सेम ही फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेटिंग के लिए क्या ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, ठीक है जी, इस पे आ जाइए और पेस्ट स्पेशल के अंदर ये ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल जाएंगे तो इसमें पेस्ट स्पेशल आपको दूसरी तरीके से दिखाएगा। तो आप फॉर्मेट्स को इस पे ओके कर देंगे तो ये फॉर्मेट्स इस पे पेस्ट हो गए, जो भी चार्ट फॉर्मेटिंग, कई चार्ट्स पे आपको भारी फॉर्मेटिंग मिलती है तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा, जैसे मैंने अभी आपको कॉलम चार्ट के बारे में बताया और चार्ट के बारे में सब कुछ जो मेन जरूरी बातें थी वो आपको बताई। तो इसमें आप चाहते हैं कि अब अलग अलग चार्ट का यूज क्यों किया जाता है, पहले वो जान लेना जरूरी है।
क्योंकि फॉर्मेट वगैरह आपको मिल ही जाएंगे उसमें। देखिए जहां पे हमारी कंपैरिजन होती है हम वहां पे यूज करते हैं कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट कॉलम की तरीके से आते हैं। दूसरा है, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के केस में बार चार्ट। ये देखिएगा 2D 3D सिलेंडर, हर एक तरह के कॉलम के अलग अलग व्यू है, पिरामिड चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉलम का ही सिनोनिम हो जाता है। तो नेक्स्ट थिंग जो मैं बता रहा था वो है बार चार्ट। बार चार्ट भी सेम चीज के लिए यूज होता है, बस ये हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है। और लाइन चार्ट कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हमारे पास डेटा काफी ज्यादा हो, मान लीजिए चलता चला गया कई सालों सालों का डेटा इस तरह से, लाइन चार्ट भी हुआ कंपैरिजन के लिए, एक फ्लो देखने के लिए। यहां से मैंने फॉर्मेट कर तो अलग पूरे मतलब 10-20 साल का डेटा कर दिया, और यहाँ की सेल्स जो मैंने दे दी तो एक फ्लो है, इसको वैसे भी देखा नहीं जा सकता। तो इसकी जगह हम यूज करते हैं कई बार लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन में आप इसको ज्यादा साफ देख सकते हैं। अगर हम इसमें कॉलम चार्ट लगा देते हैं, चेंज चार्ट टाइप से चार्ट टाइप चेंज हो जाता है, अगर इसकी जगह कॉलम चार्ट लगा देते हैं यहाँ तो आसान है, पर और ज्यादा डेटा में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए इसमें हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। लाइन चार्ट के भी अलग अलग तरह के व्यू है, जैसे ये देखेंगे 3D में आ रहा है। लाइन चार्ट का भी अपना अलग से वो है, इसको फ्लो को देखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चार्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है शेयर, शेयर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सिटी रही और उसमें अलग अलग सेल आई, तो हर एक ने कितना क्या परफॉर्म किया, कितना परसेंट टोटल सेल में रखा, उसको देखने के लिए यूज करते हैं हम पाई चार्ट। मान लीजिए अलग अलग रीजन की सेल, अलग अलग रीजन की या अलग अलग बंदे की एक सिटी में शेयर हुई, तो टोटल सेल में किसका कितना शेयर था वो देखेंगे हम पाई चार्ट यूज करेंगे। सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट में जाके यहाँ पाई चार्ट, ठीक है जी। तो एक बंदे का अलग अलग का अलग अलग हो आ गया। इसमें भी राइट क्लिक करके इसमें फॉर्मेट डेटा सीरीज करके आप पाई को सेट कर सकते हैं। पाई की रोटेशन, जैसे आपको ये नहीं पता कि कौन सा कहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है जी, संदीप स्टार्ट पर है पर यहाँ से है, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से रोटेट करके इसको सही पोजीशन पर बिठा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं, ऐड डेटा लेबल कर सकते हैं। डेटा लेबल इसमें काफी तरह के होते हैं, डेटा लेबल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेबल्स कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे ऑप्शन है। पाई जैसे मैंने कहा शेयर जानने के लिए, तो परसेंटेज का भी ऑप्शन है कि कितने परसेंट ये होल्ड कर रहे हैं। आपको पता पड़ रहा है कि 4%, 17% किस तरीके। मान लीजिए आपकी लास्ट के कुछ फिगर में जो है सेल बहुत कम है, जो कि यहाँ पे जाके डिसअपीयर सी हो जाती है, तो इसके लिए आपका जो चार्ट यूज होता है वो है पाई ऑफ पाई, ठीक है। आप सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पाई ऑप्शन में जाएंगे तो पाई ऑफ पाई चार्ट है। पाई ऑफ पाई में क्या करेगा, लोएस्ट वैल्यू को उठा के एक जगह आपका कोलैप्स कर देगा, फिर इसको दिखाएगा। अभी इसमें कितनी वैल्यू है कोई पता नहीं पड़ रही है, डेटा लेबल कर दिया तो इसमें इस तरीके से दिखाने लगा। मैं चाहता हूँ कि 83% वाली इस पाई में ऐड नहीं होनी चाहिए, 431
वाली जो है वो होनी चाहिए। राइट क्लिक करके इसको डेटा सीरीज पे करेंगे तो कितना सेकंड प्लॉट कितनी वैल्यू कंटेन करना चाहिए, मैं कहता हूँ 3 वैल्यू कंटेन करना चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने इस पे सेट कर दी, 1, 3, 4, ठीक है जी, टोटल 8। तो 8 का जो शेयर दिखा रहा है वो आपका पूरे में दिखा रहा है। आप इसको ड्रैग करके अलग अलग इसको ऐसे दिखा सकते हैं किसी भी डेटा सीरीज को। ड्रैग ऑप्शन है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ड्रैग करके इनको पीस को अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इसमें क्या होता है कि पीस अलग करना, पर एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि जैसे अभी मैंने एक बार क्लिक किया तो ये सारे सिलेक्टेड है, तो कोई भी चेंजेस करूंगा ये सब पे होंगे। इस किसी एक पीस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो अलग से सिलेक्ट हो जाता है, तो चेंजेस आप एक में कर सकते। ठीक है जी, अगर अलग अलग मैं इनको वैसे ही सिलेक्ट करूं एक ही बार में और इनको करूं तो ये सब सबके सब अलग होने लगे। एक को चाहता हूं तो एक ही पे क्लिक करूंगा मैं, दो बार किया अलग हो गया, मैं इसको अलग से फॉर्मेट कर सकता हूं। कलर नहीं चाहिए तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है जी, साइमल्टेनियसली कलर आपका यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो पाई चार्ट इसके लिए यूज करते हैं, बाकी देखते हैं चार्ट अपने। एरिया चार्ट जो है आपका लाइन चार्ट की तरह ही है, स्कैटर चार्ट है लाइन चार्ट की तरह ही है, बस खाली डॉट दिखाता है, डॉट दिखाता है, लाइन चार्ट की तरह ही है। ठीक है, बाकी अदर चार्ट है इसके अंदर आप देखेंगे डोनट चार्ट, ये भी पाई चार्ट का ही भाई है। ठीक है जी, बस इसमें बीच में गोला खाली होता है। बबल चार्ट है, बबल चार्ट बबल में दिखाएगा लाइन चार्ट जैसे ही। तो इसी तरह से अलग अलग चार्ट है इसमें। रडार चार्ट, इसका फॉर्मेट अलग होता है, जैसे रडार एक सेट कर दी जाती है, एक्सेस दिखा रहा है, इसमें वैल्यूज को फैला देता है और उसको उनकी ग्रोथ को दिखाता है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो रडार चार्ट इस तरह से, इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें काफी सारे चार्ट के टाइप है जो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। सबका ऑप्शन यही है कि आप फॉर्मेट पर जाके इनको फॉर्मेट किया जा सकता है, फॉर्मेट डेटा सीरीज अलग अलग फॉर्मेटिंग सबकी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग सबकी होती है। तो ये सब आपका चार्ट के बारे में, बाकी चार्ट में आपके डिजाइन वगैरह जो होते हैं आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन चूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। लेआउट में इनके पार्ट्स के बारे में होता है, आप पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जैसे आपका जो भी एरिया सिलेक्टेड है तो एरिया फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, तो अलग अलग एरिया का जो है फॉर्मेट, एक फॉर्म जैसे शेप फॉर्मेट होते हैं वैसे ही फॉर्मेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। सिलेक्शन पेन क्या है यार, राइट साइड दो, क्या चीज है, वापिस जाओ, सिलेक्शन पेन बोल के है ना, ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक के नीचे। अच्छा ये वाला, अरेंज वाला, मान लीजिए आपने दो चार, हाँ, एक के ऊपर एक आ गए, आप चाहते हैं कि ये वाला ऊपर आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक इस तरह से। लास्ट वाले का क्या है मतलब, सिलेक्शन पेन का मतलब, यहाँ से आप कह रहे हैं ना ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, सिलेक्शन क्या होता है आपका, एक तरह से आपने फोटोशॉप अगर चलाई होगी तो उसमें ये होता है कि जैसे आपको ये चीज है आपकी, मान लीजिए प्रिंट पीछे वाले का लेना है, ठीक है जी, तो क्या करते हैं सिलेक्शन ऑफ कर सकते हैं, जैसे चार्ट वन का मैंने आई गायब कर दी तो वो गायब हो गया, अब मैंने इसका प्रिंट ले लिया, अब दूसरे का लेना है इसी पे, इसकी आई गायब करके इसकी चालू कर दूंगा तो इसका प्रिंट ले लूंगा, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं कि कितने जो ऑब्जेक्ट है आपके विजिबल होने चाहिए।
ये खाली चार्ट के लिए नहीं, स्पेशल स्पेस के लिए, फोटो के लिए, हर चीज के लिए यूज होता है एक्सेप्ट इन रोज कॉलम के फीचर। डेटा जो है वही का वही रहेगा, ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, जितना फोटो हो गया, चार्ट हो गया, इस तरह की चीजें, तो आप इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, विजिबल अनविजिबल। ठीक है, तो ये तो रहे नॉर्मल चार्ट सप्ले। अब थोड़ा सा चार्ट को करते हैं डायनेमिक, और इसमें यूज करते हैं अपने कुछ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला चार्ट में मुझे और दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि हमारे पास एक डेवलपर टूल बार होती है। ठीक है, डेवलपर टूल बार को लाना कैसे, आप ऑफिस बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और ये रहा शो डेवलपर टैब इन रिबन, आप में अनचेक होगा, चेक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपकी डेवलपर टूल बार अवेलेबल हो जाएगी। इसमें इंसर्ट का एक ऑप्शन होता है, इसमें दो तरह के कंट्रोल होते हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल जो है अपने एक्सेल के यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक्सेल एक्टिव एक्स कंट्रोल के साथ वीबीए की कोडिंग होती है, तो हम एक्टिव एक्स को छोड़ देंगे, फॉर्म कंट्रोल देखेंगे फॉर्म कंट्रोल को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें होता है बटन, पर ये भी आपके एक्टिव एक्स कंट्रोल की तरह ही काम करता है, इसमें आपको मैक्रो बना के कोई भी अटैच करना होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैक्रो सिलेक्ट करके अगर कोई होगा ओके कर देंगे तो मैक्रो इससे अटैच हो जाएगा, हालांकि इसका यूज फॉर्म कंट्रोल में नहीं होता, कम होता है। बाकी देखते हैं, जिस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लेनी हो मान लीजिए, तो नेक्स्ट है हमारा अपना कॉम्बो बॉक्स, क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया ये कॉन्ट्रैक्ट, एक हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली, और वैल्यू कहां से आएगी, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है कंट्रोल वाले ऑप्शन में है आपका। ठीक है, इनपुट रेंज जो भी लिस्ट देनी है आप चूज कर लीजिए, वो जो है हमारी वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होगी तो नहीं लेगा। ठीक है जी, वर्टिकल ही होनी चाहिए हर केस में। देन एक चीज और पूछता है सेल लिंक, सेल लिंक में आप किसी भी सेल का लिंक दे सकते हैं, वो किस लिए यूज होगी अभी हम देखेंगे, बस लिंक देना है आपको किसी एक सेल का, ब्लैंक सेल का। ठीक है, ड्रॉप डाउन लाइंस, लाइन के कितनी वैल्यूज दिखानी चाहिए, जैसे मैं 10 कर दूं तो 10 दिखानी चाहिए जब ये ड्रॉप। ठीक है, अब क्या है कि पूरी लिस्ट इसमें है, जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां से ये जो लिस्ट है, जिस नंबर लिस्ट में जिस नंबर पे ये नाम होगा वो ये सेल लिंक में छोड़ देता है। मान लीजिए इसके आगे की मुझे सेल्स चाहिए, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मुझे क्या मिल रही है, इंडेक्स पोजीशन, तो मैं इंडेक्स के फॉर्मूला लगा के किसी भी वैल्यू में से ये इंडेक्स पोजीशन का रेफरेंस यहां से दे देता हूं। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो मुझे उसकी सेल्स यहां दिखानी दिखाई देने लग जाएगी। ओके सर, मान लीजिए चार्ट बनाना है, चार्ट में किस तरह से यूज होगा ये, अब यहाँ पे है ये, मुझे सेल्स दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, इसी पे ही एक कॉलम क्रिएट कर दूंगा, कॉलम चार्ट, यहां से सिंगल वैल्यू। और साथ में चाह रहा हूं कि यहां पे इसका नेम भी दिखाए, तो नेम के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इधर कर देता हूं, और यहां से वही इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करके नेम में से वो वैल्यू निकाल लेता हूं। इंडेक्स में मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली पूरी एरे, और इस कौन सी पोजीशन की वैल्यू, इस पोजीशन की वैल्यू, तो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे नेम और सेल्स दोनों दिखा रहा है मुझे। अब क्या करना, डायनेमिक चार्ट्स में होता क्या है कि हम ये जो फॉर्मूला जनरेटेड वैल्यू है इस पे चार्ट बनाते हैं। ठीक है जी, जैसे राहुल का आप देख रहे हैं, राहुल का चार्ट, अब यहां से मैं अलग सिलेक्ट करूंगा कोई भी, जिसको सिलेक्ट करूंगा उसका मेरे को चार्ट दिखाएगा। ओके सर, एक और चीज बढ़ाते हैं कि ये सेल्स थी, यहां टारगेट कर देते हैं,
सेल्स टारगेट दो चीजें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेल्स निकालनी, यहाँ टारगेट और निकाल देता हूँ। इंडेक्स का वही फॉर्मूला इससे, और यहाँ रेफरेंस दे दिया रो नंबर के भी। अब मेरा इसको ड्रैग कर ले, इस तरीके से आ गया। इसको डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम सेल्स टारगेट। अब चार्ट जो मैं लगाता हूँ वो इस पे लगा देता हूँ, इंसर्ट कॉलम चार्ट। ओके, तो सेल्स टारगेट दिखा रहा है। टारगेट को मैं चूज करके अलग से भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, फिर इसका बदल सकता हूँ। हाँ, अभी देख रहे हैं आप सब में चेंज हो रहा है। सेल्स टारगेट यहाँ आना चाहिए, तो स्विच रो टू कॉलम कर सकता हूँ। सेल्स टारगेट अब आ गया, सेल्स मेरी येलो में आ रही है, टारगेट मेरा रेड में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं बस इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से वैल्यू, इसको देख रहे हैं हम कि मेरे को सेल्स टारगेट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से डायनेमिक रिपोर्ट हो गई। इसको मैं चाहे मूव करके इसके नीचे रख सकता हूँ या चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा एरिया इसका प्लॉट एरिया मैं घटा देता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ कंट्रोल को इसके अंदर। ओके सर, अब नहीं पता पड़ेगा ये कि क्या है, बस मैंने सिलेक्ट करना है यहाँ से, मुझे अलग अलग सेल्स टारगेट दिखाना है। तो ये डायनेमिक चार्ट्स में बेसिकली कंट्रोल यूज होते हैं, ठीक है जी। थोड़े से और कंट्रोल बताता हूँ, अभी मैंने एक कंट्रोल बताया, ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे हमारे पास ये वो फर्स्ट, हाँ ये है चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, वर्सेस कर देता हूँ। ओके सर, वर्सेस कर दिया और कंट्रोल मैंने एक लिस्ट बॉक्स और दे दिया, यहाँ ले लिया। इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, चेक्ड अनचेक्ड क्या रहना चाहिए, पहले तो पोजीशन, देन सेल लिंक। सेल लिंक में यहाँ ऊपर दे देता हूँ इसका। तो सेल लिंक पहले क्या कर रहा है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये ट्रू दिखा रहा है, अनक्लिक कर रहा हूँ फॉल्स दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लिस्ट ले लेता हूँ, कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ ऐड कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में इनपुट रेंज में मैंने वापस नेम दे दिया और सेल लिंक में मैंने क्या दे दिया, इसका सेल लिंक में यहाँ दे देता हूँ। तो क्या हुआ, इसमें भी लिस्ट आ गई और इसमें भी इंडेक्स पोजीशन दिखाने लगा। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, इंडेक्स अभी तक सेम है और इसका जो मैं ले लेता हूँ यहां से ले लेता हूँ। ओके, इसको लॉक कर देता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ, सेम चलेगा। तो मेरे पास दो बंदों के आने लगे। अब दूसरे बंदे का अगर मुझे देखनी है सेल्स, तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक किया मैंने डेटा और यहाँ फैला दिया, यहाँ फैला दिया, यहाँ इसको फैला दिया, यहाँ इसको फैला दिया। तो दोनों बंदों के मुझे सेल्स टारगेट दिखने लगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहां मैं सेकंड का चूज करूंगा तो वो सेकंड का दिखाएगा। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ पहले, क्योंकि फॉर्मूला के कारण चेंज हो रहा है, ताकि ये कॉन्स्टेंट रहे। तो मैं यहाँ से किसी को भी चूज करूंगा तो ये उसकी चार्ट दिखाएगा दूसरे वाले में, पहले वाले में से जो चूज करूंगा वो पहले वाले के चार्ट दिखाएगा। ठीक है जी, एक में हरीश ही रह रहा है, ठीक है जी, दूसरे में चेंज होता जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि जब मैं वर्सेस पे क्लिक करूं तभी कंपेरिजन में चार्ट दिखाने चाहिए, अदरवाइज ना दिखाए। तो मैं चेक अनचेक में हमारा ट्रू फॉल्स का हो रहा है, मैं क्या लगा सकता हूँ, इफ की कंडीशन लगा सकता हूँ,
किस पे, इन फॉर्मूला के ऊपर। इफ अगर ये इक्वल टू ट्रू है, या फिर डायरेक्ट भी दे सकते हैं क्योंकि ट्रू तो ट्रू ही होगा, अगर ट्रू है तो ये फॉर्मूला चले, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। इसको फिक्स कर देता हूं, देन ड्रैग कर देता हूं। ब्लैंक केस में क्या होगा कि कहां कुछ भी नहीं दिखा रहा है अभी, पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आ जाएगा। अब चाहे तो एक का किसी का देख लें, वर्सेस में जाते हैं तो क्लिक करके यहां से वर्सेस भी देख सकते हैं। ठीक है जी? या सही यार, वो पहले बटन का एक बार फिर से दिखाओ ना, एक 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 प्रोग्राम लिख के दिखाओ ना। किसका? डेवलपर इंसर्ट में जाओ। हाँ जी, इंसर्ट में फर्स्ट बटन का एक दिखाओ ना एक। ये बटन सर बीबीए प्रोग्रामिंग के साथ यूज होता है मैक्रो में। ठीक है जी? अच्छा, क्या हाँ, हाँ, मैं एक छोटा सा मैक्रो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मैक्रो लिख देता हूँ, सब ए और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर देता हूँ, हेलो कर देता हूँ। ठीक है जी? तो ए नाम से मैंने मैक्रो बनाया है। ठीक है जी? अब मैं क्या कर सकता हूँ, बटन जब मैं इंसर्ट करूंगा तो ये आपसे पूछता है मैक्रो कौन सा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, जब भी मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये मैक्रो चलेगा, इसलिए यूज होता है बस। हालांकि मैक्रो असाइन करने के लिए आपको जरूरी नहीं बटन की जरूरत हो, मैं किसी भी शेप को उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे शेप कर दिया और यहाँ पे लिख दिया क्लिक, ये ज्यादा है क्योंकि इसमें हम ज्यादा कलर फॉर्मेटिंग तो कर नहीं सकते, पर अपनी शेप्स के साथ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से मैंने ये बना दी शेप, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, किसी शेप में पिक्चर में, तो मैं इसको चूज करता हूँ, तो इस तरह के बटन भी मैं यूज कर सकता हूँ। ओके सर, हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक वेबसाइट की तरह काम करेगा अगर मैं ऐसे करूं। ठीक है जी? तो ये वाला कंट्रोल देखा आपने, नेक्स्ट आगे कंट्रोल देखते हैं, दो चार और हैं कंट्रोलों को देख लेते हैं। स्पिन बटन भी आपका सेम ही कंट्रोल है, बस ये क्या करता है, ऊपर क्लिक करेंगे एक बढ़ेगा, नीचे क्लिक करेंगे एक घटेगा, इस तरह से कंट्रोल में गए, फॉर्मेट कंट्रोल में। तो क्या है कि मिनिमम वैल्यू क्या मांग रहा है, मैं कह देता हूँ 1, करंट वैल्यू जो रखनी रख सकते हैं इसकी, मैं कहता हूँ 2 पे करंट से शुरुआत है, करंट में। देन मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी है, कितनी हमारी वैल्यू है, 10 है, 10 कर दी मैंने। इंक्रीमेंटल चेंज, जब भी मैं बटन दबाऊं तो कितने का चेंज होना चाहिए, कहता हूँ एक ही चेंज कर दे वही बहुत है। सेल लिंक मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जब भी इस बटन को क्लिक करूंगा ये ऐसे ऐसे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है और 10 तक ही होगा। ठीक है सर? तो अगर मैं इस लिंक से यहाँ की वैल्यू उठवा लूं, मान लीजिए ये लिंक मैं यहाँ से चूज कर लूं, तो क्या होगा, मेरा जो चार्ट है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ओके सर, पहले मैं किया इसलिए पहला ले रहा है, यहाँ इसको फिक्स करके मैं ट्रैक कर लेता हूँ ताकि पूरे चार्ट का चेंजेस देख सकूं। तो बस मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ और ये चेंज होता जा रहा है, पीछे आ रहा हूँ। ठीक है जी? yeah. इंडेक्स का फॉर्मूला ही आपका सारा काम कर देगा कंट्रोल्स के साथ में। देन आपके पास है लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स की तरह ही लिस्ट बॉक्स होता है, फर्क ये है इसमें ड्रॉप डाउन दिखाता है, इसमें ड्रॉप डाउन नहीं दिखाता। फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज वही रेंज है। सेल लिंक मैं इसका यहाँ इसके ऊपर दे देता हूँ। सिलेक्शन टाइप होता है इसमें, सिंगल चूज कर सकते हैं, मल्टीपल चूज कर सकते हैं, मल्टीपल का यूज आप फॉन्ट में नहीं कर सकते। अब जैसे ये है इसमें कोई लिंक नहीं दिखाएगा जी, मल्टीपल क्रिएट कर दिया तो मैंने, तो हम सिंगल ही यूज करेंगे, तो मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी पोजीशन दिखा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ के लिंक की पोजीशन अगर मैं यहाँ से चूज कर लूँ,
बस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊंगा और ये उस हिसाब से चलता जाएगा। चार्ट में जगह बना के आप इनको, बस इसको आपको मूव करना है, ये ला के यहाँ लगा दें उस तरीके से, और आपका ये डायनेमिक चार्ट हो जाते हैं। ओके सर। हालांकि डायनेमिक चार्ट ही नहीं, आप कोई रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से ये डेटा जनरेट करा रहे हैं ना, जैसे मैंने काउंट टिप का किया था, काउंट टिप का आपको प्रोजेक्ट दिखाया था ना, वो करके उससे फॉर्मूला यूजेज के साथ भी इसका ये किया जा सकता है। सीक्रेट होता है बस ये सेल लिंक, कि आपका सेल लिंक इससे ड्राइव हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन बस इतनी है कि वैल्यू शुड बी इतनी वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे वर्क नहीं करता है। मान लीजिए ये सेल्स टारगेट है, अगर मैं लिस्ट में लेना चाहूँ फॉर्म कंट्रोल करके, अगर ये ऐसे करूँ कि यही आ जाए, ठीक है, आएगा ही नहीं आपको, खाली एक ही वैल्यू दिखाएगा। ठीक है जी। देन है रेडियो बटन, रेडियो बटन भी आपका इसी तरह से ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, नहीं ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करता, रेडियो बटन थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। इनके भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मान लीजिए इसका मैंने कर दिया संदीप और प्रदीप, इस तरह से इसका नाम दे दीजिए, और यहाँ पे एक और रेडियो बटन इंसर्ट कर दिया मैंने, हरीश। अब ये रिटर्न क्या करता है, पहली चीज जब आप इसको सेल लिंक देते हैं, तो रिटर्न क्या करता है, जिस नंबर का आप चूज करेंगे वो नंबर दिखाएगा, 1 2 इस तरीके से। तो अगर मैंने इनको कर दिया, अगर इसको लिंक करूंगा तो मैं क्लिक करूंगा तो चार्ट बदलेगा रेडियो बटन के थ्रू, ठीक है जी। बट इसकी क्या एक रिस्ट्रिक्शन और होती है, कि अगर मैंने तीसरा रेडियो बटन दबा दिया, तो ये रेडियो बटन जो होता है वो एक ही सेल लिंक पे काम करता है, आगे भी ऐड करूंगा आगे, मान लीजिए मेरे पास दो कैटेगरी है, दोनों को अलग अलग करना है तो फंस जाएंगे इसमें, क्या उस केस में हम यूज करेंगे ये ग्रुप बॉक्स। अब ग्रुप बॉक्स से जब आप इनको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप बॉक्स के अंदर डाल देंगे, तो एक सेल लिंक पे तो आपका ये काम करेगा, दूसरी जगह ग्रुप बॉक्स डाल देता हूं मैं यहां पे, और यहां पे जो मैं रेडियो बटन इस्तेमाल करूंगा उनका सेल लिंक मुझे अलग देना पड़ेगा। ओके सर, ग्रुप बॉक्स जरूरी है इसके साथ, फॉर्मेट कंट्रोल सेल लिंक यहां दे दिया मैंने। ओके, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये इस पे 1 2 दिखेगा, ठीक है जी। वैल्यूज हम थोड़ा सा वाइजली चूज करेंगे, क्योंकि पहले जो ऑप्शन बटन आपने यूज किया वो 1 पे सेट हो जाएगा, दूसरा आपका 2 पे सेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बटन को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना। मान लीजिए इसका नाम मैं कुछ और लिख दूं, पर सिलेक्ट वही करेगा जो पहला होगा, क्योंकि रिटर्न तो ये 1 और 2 में करेगा, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा इसको देख के करना होता है, ठीक है जी। लेबल होता है, लेबल की आपको जरूरत नहीं होती, लेबल खाली एक लेबल होता है, लिखने के काम आता है, इसमें और कोई यूज नहीं है, इसकी जगह आप ये शेप्स वगैरह यूज कर सकते हैं लेबल की जगह। देन है आपके पास स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार भी आपका स्पिन बटन की तरह काम करता है, बट इसमें एक चीज होती है, जैसे सेल लिंक में क्या दे देता हूँ इसका, यहाँ इसके बगल में दे देता हूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी दे सकते हैं, 1 से 10 के बीच में दे सकते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज कितना होना चाहिए दबाने पे बटन को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक आ गया, मैं इसको जैसे ही ड्रैग करूंगा ये यहाँ से आपका चेंजिंग करना शुरू कर देगा, यहाँ क्लिक करके स्क्रॉल जैसे करते हैं वैसे। तो अगर आपने इसका लिंक दे दिया तो स्क्रॉल का फीचर यूज कर पाएंगे। अब मैं इसमें दबा रहा हूं तो एक एक करके चेंज हो रहा है, बाकी इसको ड्रैग करके कहीं से भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है जी, स्क्रॉल की तरफ, ठीक है जी। बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ये आप कंट्रोल्स इसमें यूज कर सकते हैं टोटल, चार्ट्स के साथ या किसी भी डेटा के साथ आपका मतलब एक एक्सेल फॉर्मूला की हेल्प से सॉफ्टवेयर की तरह काम करने लगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास एंड करते हैं सर, मेरे ख्याल से चार्ट क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, हालांकि ये टॉपिक 3 घंटे का होता है, बट मैंने 1 में कवर किया है, ठीक है जी। थैंक यू।
यू वेरी मच। ठीक है सर, बाकी ये कि आपको ये फाइल भेज दो ना यार। हाँ जी, ये फाइल भेज दो ना। हाँ फाइल भी भेज देता हूँ मैं।